जो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बना के बताया है। इसे आप अपने बाजू में बना सकते हैं या अपने ट्राउज़र वगैरह में बना सकते हैं। आप पठानी वगैरह सलवार बना रहे हैं जैसे अफगानी सलवार, तो उसमें आप इसे बना सकते हैं। अफगानी सलवार बनाने की वीडियो मैंने पहले भी अपने चैनल पर अपलोड करी हुई है, उसमें आप ये डिज़ाइन बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा और बाजू पर भी ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो मैं आपको इसे बनाना बताती हूँ। इसलिए डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने इसकी लेंथ 12 इंच पर रखी है, आप लेंथ कितनी भी रख सकते हो। ये इसकी चौड़ाई है, मोरी जितनी भी आएगी हमारी, मोरी 5 इंच है, हमें इसमें 10 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ये डबल कपड़ा है हमारा, इस तरीके से ये 5 इंच में हमारी मोरी आती है, तो 10 इंच हमें एक्स्ट्रा रखना है इसमें। ये 15 इंच है हमारा। बाजू की कटिंग करने के बाद हम इसमें प्लेट्स डालेंगे। प्लेट्स हमें इस तरीके से डालनी है, इस तरीके से हम डालेंगे, बीच में गैप रखेंगे, बॉक्सेस प्लेट डालेंगे हम इसमें। इस तरीके से मैंने इसमें प्लेट्स डाल दी हैं। अब मैं इसमें आगे से कर्व लगाऊंगी। आप चाहो तो कटवर्क वाला भी डिज़ाइन बना सकते हो। इस तरीके से ये बुकरम का पीस लिया है, 2 इंच लंबा है ये और चौड़ाई इसकी इतनी रहेगी जितनी हमारी मोरी की चौड़ाई है, इस तरीके से। और ये कपड़ा लिया है हमने, 6 इंच का कपड़ा लिया है। पहले हमें इस तरीके से इसे फोल्ड करके यहाँ पर सिलाई लगाएंगे एक साइड से, फिर हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। ये जो हमारी बाजू है इस पर हमने इसकी चुन्नट को प्रेस कर लिया है। इस तरीके से हम अपने कफ को आगे से रख के इस तरीके से इस पर सिलाई लगाएंगे। आप चाहो तो यहाँ पे लेसेज वगैरह भी लगा सकते हो, या यहाँ पे, या आगे वाइट कलर की लेस वगैरह कुछ भी लगा सकते हो। मैंने इसे सिंपल ही रखा है। अब जो हमारा स्लीव्स का ये वाला हिस्सा है पीछे वाला, इस पर भी इसी तरीके से सेम हमें चुन्नट डाल के इस पर सिलाई लगा देनी है। हम इसे सिंपल भी रख सकते हैं, ऐसे भी ये बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर आप इसमें थोड़ा मोती लगाना चाहें तो इस तरीके से हम इसे मोती वगैरह भी लगा सकते हैं।
इस तरीके से सभी मोतियों को अटैच कर लिया है। अब हम इस पर फिटिंग की सिलाई लगाएंगे अपनी, इस तरीके से रख के हमें अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है इस पर। इस तरीके से बन के तैयार हो गया ये। अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आए, हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। धन्यवाद।